आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अशनेरा ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को नव निर्वाचित प्रधान और बीडीसी का स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ब्लॉक प्रमुख गायत्री देवी पत्नी महाराज सिंह का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। अशनेरा ब्लॉक सभागार में शुक्रवार को नव निर्वाचित प्रधान और बीडीसी का स्वागत समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्रामीणों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए ब्लॉक प्रमुख गायत्री देवी पत्नी महाराज सिंह का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवा और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर रामेश्वर चौधरी भी मौजूद रहे। 20 साल लगातार तो आपके दरवाजे जो व्यक्ति आए, अगर ठीक है, आपको लगता है गलत, गांव तो बहुत छोटी इकाई रहती है, सब परिचित रहते हैं, पार्षद वाला मामला रहता है 25-30 हज़ार वोटों का, तो थोड़ा पेड़ा पड़ जाता है। अगर आपके दरवाजे तक कोई व्यक्ति आए तो हिरास होके नहीं जाए, एक टाइम टेबल बांध लीजिए आप अपना कि भाई मैं 10 से 12 बजे तक मोहर लगाने के लिए मिलूंगा, बढ़ाने काम के लिए मिलूंगा। स्वागत कार्यक्रम के दौरान ब्लॉक प्रमुख गायत्री देवी ने ग्रामीण क्षेत्र की जनता को भरोसा दिलाया कि अब सरकार की योजनाएं गरीबों और किसानों तक पहुंच सकेगी, साथ ही सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आने वाली योजनाएं भी मूल रूप ले पाएंगी, उसके लिए हर संभव प्रयास उनके माध्यम से किया जाएगा। तो ये सब चीजें हम लोग एक सामंजस्य के साथ बैठकर अपने परिवार की तरह, तो गांव एक परिवार होता है, ये मन नहीं है मोहल्ले वालों को मुझे वोट नहीं दे, गली में नहीं जाना है, गली को नहीं मनवाना है, ऐसा भाव हम लोगों को मन में नहीं लाना है। सरकार के तौर पर हम लोग सब खड़े हुए, मैं अध्यक्ष ही रहूंगा, अध्यक्ष हैं, और बाद में आप सब आपको हमारे 3 साल का अध्यक्ष होता है, आपका प्रधानी काल 5 साल का होता है, जो नेक्स्ट अध्यक्ष आएंगे उनसे अनुरोध करेंगे भाई प्रधानों की मदद हो, क्योंकि सबसे मजबूत इकाई और सबसे कम संक्षिप्त क्षेत्र के अंदर काम करने वाली इकाई है जो अपने काम को बहुत मजबूती से अंजाम दे सकती है। वहीं इस दौरान स्वागत कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा था। योगी और मोदी के जयकारों के साथ लग रहा था कि मानो सभी कार्यकर्ताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी और एक बार फिर से प्रदेश में बीजेपी का परचम लहराने की ठान ली है। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।